Everyone, please follow, like, share, comment, and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. आंबील वड्याची जी झोपडपट्टी आहे ती झोपडपट्टी 40 वर्ष आंबीलवाड्याची जी झोपडपट्टी आहे ती 40-45 वर्षापासून या ठिकाणी राहते. तर या लोकांकडं सर्व सरकारी जे कागदपत्र आहेत हे महानगरपालिकेचे टॅक्स भरतात. ही झोपडपट्टी असताना या ठिकाणी नैसर्गिक कोणताही ओढा नाला हा जर हे करायचं असेल बदलायचं असेल तर त्याची पर्यावरण मंत्र्याची केंद्रीय शासनाची परवानगी लागते. पण असं न करता चुकीचा DP प्लॅन तयार करून या ठिकाणच्या झोपडपट्टीवासियांना उठवण्यासाठी गेले 6-7 महिन्यापासून गुंड आणि दादागिरी करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. आणि हा प्रयत्न चालू असताना आज सकाळी 5 वाजता पोलीस वस्तीमध्ये घुसले, महानगरपालिकेच्या वस्तीत लोक घुसले आणि स्थानिक या झोपडपट्टीच्या शेजारी जे बिल्डरची साईट आहे त्या ठिकाणचे काही खाजगी व्यक्ती लोकांचे घुसून घरातलं सामान तोडायचा प्रयत्न केला, सामान फेकायचा प्रयत्न केला. यामध्ये आजतकपासून TV9 पासून सर्वच TV चॅनलनी याच्यावर लोकांच्या दुःखाला वाचा फोडली आणि ते वाचा फोडल्यानंतर ते जशा तसं आम्ही कोर्टाच्या समोर सबमिट केलं आणि पुणे महानगरपालिका न्यायालयाचे माननीय न्यायाधीश तहसीलदार साहेब यांनी यामध्ये या लोकांचं पुनर्वसन झाल्याशिवाय स्थगिती म्हणजे झोपड्या तोडू नये एवढ्या कारणासाठी आत्ता तात्पुरती स्थगिती दिलेली आहे. आणि यापुढची या केसची सुनावणी ही सकाळी 7 वाजता पुढल्या महिन्यातल्या 7 तारखेला आहे. हे रुको ये बताओ कि ये जो कार्रवाई हो रही है तो जो नेता लोग हैं सत्ताधारी है उनका कहना है कि अधिकतर लोग मान गए हैं ये सारे के लिए हम तुम्हारे साथ हैं. गए 40 साल से इस जुगियों में यहाँ के दलित पीड़ित लोग, यहाँ के कष्टकारी लोग
40 साल से यहाँ रहने रहते हैं। तीसरी पीढ़ी यहाँ कुछ लोगों की तीसरी पीढ़ी यहाँ रहती है। इसके बावजूद सिर्फ बिल्डर लोगों की बाजू में प्लॉट चालू है, साइट चालू है, और उसके लिए एक ओपन पेस बिल्डर लोगों के फायदे के लिए मिलना चाहिए। इसीलिए गए 4-5 साल से इन लोगों को डराना, धमकाना और इन लोगों को बेकानूनी एक्टिविटीज इन लोगों के खिलाफ उठी जा रही है। इसके दौरान यहाँ के सब सोशल एक्टिविटीज़ ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, मगर प्रशासन ने कुछ सुनी नहीं। और आज सुबह 5 बजे यहाँ पुलिस, बिल्डर के कुछ खासगी लोग और कॉरपोरेशन के लोग ये बस्ती में आए, झुग्गियों से लोगों को धारा धमका के बाहर निकाला, उनका सामान बाहर फेंका, और कॉरपोरेशन ने ये जो कार्रवाई किया है वो इलीगली तौर पे की है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का ये निर्देश है कि 9 जुलाई तक कोई भी निवासी कंस्ट्रक्शन तोड़ना नहीं चाहिए। और इसीलिए ये जो कार्रवाई जो बेकानूनी है, जहाँ तक माननीय मेहरबान न्यायालय ने सवाल उठाया कि यहाँ झुग्गियों में रहने वाले लोगों को रिहैबिलिटेशन जब तक नहीं होता तब तक ये कानूनी ठीक नहीं रहेंगी, न्याय से उचित नहीं रहेंगी, और इसीलिए न्यायालय ने आज इसको स्टेटस को दिया है। बीजेपी के नेता सत्ताधारी लोग ये कह रहे हैं कि जो अम्बिल ओढ़ा या नाला है उसमें बाढ़ आती है, उसको रोकने के लिए जो नाले का जो रास्ता है वो सीधा करने की कोशिश है, और SRA में सबको शिफ्ट करने वाले हैं। 600 लोग मान गए हैं, 120 कोई मान नहीं रहे। उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, मगर बीजेपी के लोग ये बस्ती वालों के खिलाफ भूमिका और रवैया अपनाते हैं, तो अम्बिल ओढ़ा के बाढ़ में ही यहाँ की बीजेपी और पुणे शहर की बीजेपी बह जाएंगी। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचं, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं।